तो सर लड़की से मिलने में बताऊँ बहुत मजा आता है, मैं तो इतना कुछ सीख रहा हूँ ना इतना। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक लड़के में क्या क्वालिटी पसंद है, मैं आपसे पूछता हूँ आपसे, आप एक लड़के में क्या क्वालिटी देखते हो? ऑनेस्ट। कुछ भी मन से बनाओ आप, मारुति ले लो ना फिर। रिच। आपने परवरिश भी बहुत अच्छी करी है। Carry no time waste, no bakwas. Sidha to the point. Haan. Smile. Kind and humble. Honest. What? Sweet and game. Funny. Honest. Humorous and loyal. Kuch achha, haan, loyal kaafi achha hoga. Haan, aur dusra mein. Mercedes. Oh. Saaf karta ho, chalata ho. हाँ बता दो, आप बता दो। एनी मतलब अदर क्वालिटी जो उन्होंने बताई है, इसका नो ग्लासेस, ओके, केयरिंग। तो आप जितने भी लड़के बैठे हो आप देख रहे हो इन लड़कियों के मेन्यू कार्ड बने पड़े हैं इनको, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लस 20 अदर क्वालिटी चाहिए। तो मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते, ये सब नहीं लगते। कुछ का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। कहां से लाया आदमी इतनी क्वालिटीज यार। एक तो इंडिया में ना सबको लव मैरिज करनी है, डू यू एग्री? लव किसी से और मैरिज किसी से, आखिरी में यही होता है। सब चंदा में करते, घर में बैठ गया आपको कारवा पे। इंडिया में बड़ा प्यार है, अरे बहुत सारे जैसे ना, जैसे वो आप कह रहे ना सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बोला सेंस ऑफ ह्यूमर, इन्हें नहीं, लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं चाहिए। आप इनसे तीन बातें कर लो ढंग की और एक मजाक कर दो, अरे रोहित तुम्हारा पता लगता नहीं कि तुम सीरियस कब हो और मजाक कब करते हो। एक तो ना सेंस ऑफ ह्यूमर, एक लड़की से मिला, उसने कहा रजत हमें ना शादी सिंपल करनी है, केले घर की होती है नेचर की सिंपल शादी। मैंने कहा ठीक है, कह रहे क्योंकि मेरी दीदी के रोके पे 25 लोग आ गए। मैंने कहा हाँ, उनको लगा होगा कि तेरी दीदी एक बंदे से नहीं रुकेगी तो उन्होंने 25 भेज दिए। कह रही महागवार है तू, उसके बाद कभी मिला ही नहीं उससे। जैसे आप लड़की से मैं मिलने में प्रो हो गया, जैसे पहले मैं नर्वस था, जैसे मैं शुरू में लड़की से मिलता था ना, शुरू में तब मैं नर्वस होता था। मैं आता है जब मैं पहली बार लड़की से मिलने गया था ना, तो मैं बैठा रेस्टोरेंट में, तो वो आती नहीं बियर छुवाने के लिए, इज इट कोल्ड? मैं कभी गर्म है। कह रहे भैया आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब तो मैं प्रो हो गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हॉबीज ऐसे बता देता हूँ मैं ऐसे। अब देखो पता क्या, अब मैं लड़कियों से मिलता हूँ, अब तो मैं इतना प्रो हूँ लड़कियों से मिलने में, मजा आता है। मतलब हर हफ्ते 3 मिल रहा हूँ और मैं डिसाइड कर लिया कि कल के दिन अगर मेरी शादी भी हो गई तब भी मैं लड़कियों से मिलने जाऊँगा क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती रहनी चाहिए। मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो सर्टिफिकेशन करके मानूंगा आपको। सर डिग्री मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। अरे सर बता रहा हूँ, मैं पहली बार एक लड़की से मिला, मैं बोलता हूँ पहली बार लड़की से मिला तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। हम उतना यूट्यूब पे स्किप होती है एड, हम वीकेंड स्किप कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। आप देखो जितने भी लड़के होते हैं ना, गौर करना कभी, मंडे को देखना अपने लड़कों को, चमकते हुए निकलते हैं एकदम, चमकते हुए उबले अंडे की तरह, क्यों जैसे मुंह पे H2O गिरता है अब मट्टी की परत नीचे उतरती है, चमकता हुआ लड़का निकलता मंडे को। आप एक बार मंडे को देखना इसको, एक बार इनको वैसी रहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि पता बहुत सी लड़कों को मिलता है। जैसे एक बार एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था तेजी से, जैसे होता गल्प करते हो फटाफट खाना, उसने रोक दिया, कही रजत स्टॉप स्टॉप।
क्योंकि यू हैव टू चू योर फूड 32 times. उसके बाद जो मैंने मुंह में आटा गूंदा है करी गवार कहीं का. मैं कहा भी तो आटे की चिड़िया बना के नहीं दी तुझे करी महागवार. मैं तो राम वाली माला ले ली और राम जी वाली माला. मैं कहा 32 पूरे करने होते हैं. जल्दी कहते हैं जैसे ना आपको वो लड़की पसंद आती है जिनके अंदर आपकी मम्मी के ट्रेड्स होते हैं, ऐसा कहते हैं. लाइक यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट गर्ल. तो मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई और मैंने वो छोड़ दी. पर ये बात उसको समझ में नहीं आई कि रजत चुपचाप पूरा खाओ. मगर मम्मी उसके बाद मैं प्लेट सिंक में रख के आया हूं रेस्टोरेंट की. मैं ना क्या पता बोलते झूठी प्लेट रख के चला गया लड़का यार. अच्छा एक बार मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था तो एक खाना थोड़ा नीचे गिर गया. उसने स्पून में कहा खा लो क्योंकि उसने मुझे समझाया कि देयर इज अ 5-second रूल. हाँ एक गरीब को पता होता है पिछले एक गरीब निकल के उभर के आता है हमेशा. करी ओहो मेरी बात कैसे पता लग गई. You know that? जिनको नहीं पता सर एक देयर इज अ रूल कॉल्ड 5-second रूल. उसमें क्या होता है कि 10 seconds. हाँ ज्यादा गरीब लोग यही करते हैं. आप 1 घंटे बाद खा लो ना, क्या दिक्कत है लोगों के पास है. तो रूल क्या कहता है कि जैसा आपका खाना जमीन पे गिर जाए तो 5 seconds तक आप वो खाना उठा सकते हो क्योंकि उस पर जम्स नहीं लगते. ये बनाया हुआ लोगों ने पता नहीं कहां से. तो मुझे समझाने लगी तो मैंने कहा आपके पास कोई पेपर वर्क है जो आपके जम्स और आपके बीच में सिलेक्ट हुए हो, आपसे बनाए हो आपने. मैं कहा वो तो तैयार हो गए सारे, वो तो रेडी है. 1, 2, 3 आपने उठा लिया पहले ही, आपने तो उनकी पार्टी क्रैश कर दी ना यार. अपने मर्जी से रूल बना रखे लोगों ने यार. लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई आजकल, मानोगे? लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है. जैसे मैं एक लड़की से मिला तो उसने बोला रजत हमारा ना वो क्लिक नहीं हुआ. एक वर्ड निकला है क्लिक नहीं हुआ. मैंने कहा हाँ क्योंकि मैं माउस नहीं हूं. एक मेरी लड़की मुझे कह रही रजत वो ना हमारी ना वाइब्स नहीं आई हमारे, दिस वर्ड कॉल्ड न्यू वाइब्स. मैं कहा अब मैं ऑलर बन के धागे छोड़ू नहीं कछुआ बन के धागे छोड़ता रहूं क्या चारों तरफ, इन्हें वाइब्स नहीं आ रही यार इनको यार. लास्ट वीक यू वोंट बिलीव, लड़की मेट्रो में जा रही थी और वो फोन में बातें करी, कह रही यार वो लड़का मुझे इतना घूरी घूरी कर रहा था, इतना घूरी घूरी कर रहा था घूरी घूरी क्या प्यारा वर्ड बना दिया. मैं करना चाहूंगा तुम तो खैर कर ही लोगे. आपको कितनों को ट्यूशन में क्रश हुआ कभी लाइफ में? ट्यूशन में हुआ? हुआ ट्यूशन में होता है MWF, यू नो मीनिंग ऑफ MWF? मंडे. कहां से करी तुमने इंग्लिश ट्यूशन? करी मैंने बोला MW, करी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे. इन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था इन्हें. इसलिए तुम भाई के साथ घूम रही हो पता तुम्हें, यही रीजन रह गया तुम्हारी. दिल्ली से हो ना आप? दिल्ली से? ये और दिक्कत है दिल्ली वालों की, कहीं भी मुंह खोलते ना बदनामी करा के जाते हैं. कहीं भी चले जाए बदनामी. तुम्हें नॉर्थ इंडियन ढूंढो ना, कभी नॉर्थ इंडियन तुम US चले जाओ, UK चले जाओ, जो रेस्टोरेंट में बैठी करोगा भैया प्याज ला दो, प्याज प्याज. बंदा स्टार्टर में 5 तक के साथ प्याज खा गया, चट्टी में टिबड़ हो गए, पीछे प्याज वाला काट रहा, काट काट के कितनी कटवा गया आदमी प्याज, ये प्याज ही खा जाएगा क्या आज? सारे बैर लगे पीछे प्याज काट. तुम्हें लग रहा प्याज महंगी क्यों हुई? इसलिए हुई है महंगी, अनियन रिंग खाएंगे बैठ के ये लोग. नॉर्थ इंडियन ना भाई बड़ा बदनामी कराते हैं हर जगह पे, डुबो डुबो के प्याज खाएंगे बैठ के.
मैं किसी को किसी का भी खाया जाता है, बस ला दो सलाद, ला दो बस सलाद, हरी चटनी डाल के। इन्होंने सैलेड पे हरी दिल्ली से दिल बनाया हुआ, दिल हरी चटनी से। क्या नाम है वैसे आपका ब्रो? हिमांशु। एक तो तुम्हारा नाम गलत रखा है, अगर ये साइलेंटली बोलो गाली निकलती है, बता आपको। ये बच्चों ने किया हमने, पता आपको। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा जोक, समझ में आएगा नहीं आपको, ये दिल्ली वाली गालियां हैं। तो हिमांशु आपने कभी डेट किया किसी लड़की को अपनी जिंदगी में? व्हाट इज द रीजन, लाइक आपने इतनी लड़कियों को महरूम क्यों रखा अपनी जिंदगी में? हाँ भरी जेब, मतलब जेब में प्याज रखे हैं आपने? वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब कोई बात नहीं, मतलब तो नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है फिर तो। तो फिर जेब कैसे भरी रहती है फिर आपकी? ओए आप 15 मिनट बोलो, मैं बता रहा हूँ यहीं पे बुफे लगवा दूंगा मैं आपका। नीचे फूल वाले की माला, दो माला है बढ़िया सी, मम्मी सामने, आशीर्वाद तुम्हारी माँ का यहीं मिल गया, बाकी सारे फूल फेंके गए हैं। चार सबर मैम, आप आए दो और जाओगे तीन, देख रहे हो? इतना प्रोग्रेस समाज नहीं कर पाया हमारा, मैं करवा दूंगा। 18 रुक जाएगा वो। वो 20-25 साल रुक सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो थमा हुआ है, समय की तरफ थम चुका है वो, पता है आपको। ये अभी पत्थर बन के बैठ जाएगा यहीं पे, तुम 30 साल बाद छूना इसको, ये खड़ा हो जाएगा। आ गया, आप बोलो तो यार, विल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बंदे की, बता रहा मैं आपको। देखो छोड़ो तुम यार ऐसे, फिर आगे बढ़ रहे ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन कर। देखो ऐसा, ये शो खत्म भी करना होता है मुझे, कल और भी शोज करने हैं, तो वैसे कर देगा। ठीक है ठीक है बहन, ठीक हो? एक तो ये फर वाली चप्पलें पहन के आती हैं औरतें, देखा आज फर वाली चप्पलें जिनमें मोती लगे हुए हैं, देखा? कौन करेगा तुम्हें, कौन बिहाएगा तुम्हारे को? बात करें फर वाली चप्पलें, वो मिक्की माउस वाला था, मिक्की माउस। आन मालिक यार, चप्पलें कैसे, ये जिसने बनाई होगी उसने सोचा नहीं कि क्या बना रहा हूं मैं ये? खैर खरीदने वाले ने नहीं सोचा। कैसे पहन लेते हैं चप्पलें लोग यार, कोई बात नहीं, पैसा है लोगों के पास, कोई बात नहीं, मैं ढूंढवाऊंगा आपके लिए। कितना रह गया 18 साल में, कितना रह गया टाइम? 18 कब हो रहे हो आप बताओ, आप डेट बताओ। 30 मार्च। अब 31 को इसका बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। हिमांशु, एक तो हिमांशु बोलते शर्मा रहा हूँ बार बार, ठीक है ना? तुम ऐसे आदर ये तो फिर डर, जलते हैं तुमसे, जलते हैं ये, जल कुकड़े, जल कुकड़े, समझ रहे हो हिमांशु? तुम बढ़ते रहना आगे, आगे निकलते रहना, जिसको स्टेशन से उतरना उतर ही जाएगा अपने आप में। ठीक है यार, सेट करना तुम, मैं ऐसे चला जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे मुझे, गालियां दोगे मुझे आप। मैम आपने क्या देखा था इनके पैकेज के अलावा? स्वीट एंड स्वीट के बारे में तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे ठीक है ना, मतलब यार कुछ लोग शुगर फ्री होते हैं तो। मैम दीज गाइज इग्नोर इग्नोर। आप ना कभी ये नोटिस करना, आपकी जिंदगी में ना आपकी सोसाइटी में भैया होते हैं या रिलेटिव में भैया होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो, आपको लगता है जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं ये बनूंगा, होता है सर? आपका भगवान जाने किसका अपने आप तो एंटीला देखती होगी रोज, एंटीला मम्मी मुझे यही भी आना, छोटे के साथ अनंत के साथ भी याद देना, किसी के साथ भी याद देना।